अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए जहां समूचे देश अंदर प्रशासनिक अधिकारियों कर्मचारियों की केंद्र व राज्यों की सरकारों की ओर से सख्त ड्यूटियां लगाई गई है, वहीं उनकी सुरक्षा को लेकर पिछले समय में सरकार की ओर से ड्यूटी पर तैनात अलग अलग विभागों के स्टाफ के बीमे भी किए जा रहे हैं। मगर इस बीच खबर निकल कर आ रही है कि कोरोना वायरस के चलते तैनात आंगनबाड़ी वर्करों हेल्परों ने सरकार पर उनसे भेदभाव करने का गंभीर आरोप लगाया है। कोरोना वायरस के चलते तहसील गिद्दरवाहा अंदर आंगनबाड़ी वर्करों हेल्परों की ओर से ग्रामीण इलाकों में घर घर जाकर लोगों को कोरोना वायरस को लेकर जागरूक करके बचाव रखने की सलाह दी जा रही है। मगर खुद आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर कोरोना वायरस प्रति सुरक्षित नहीं है। इस कोरोना वायरस के चलते उनकी ओर से मास्क बनाकर भी बांटे जा रहे हैं। इस समय आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर खुद को मौत के मुंह में फंसे होना महसूस कर रहे हैं। आंगनबाड़ी मुलाजिम यूनियन की जिला प्रधान अमृतपाल कौर चहल की ओर से सरकार पर भेदभाव के गंभीर आरोप लगाते हुए उनकी सुरक्षा यकीनी बनाने की बात कही है। अमृतपाल कौर चहल ने सभी आंगनबाड़ी वर्करों हेल्परों को सुरक्षा के घेरे में लाकर उनका बीमा करने की मांग की है। मैं अपने आंगनबाड़ी थोड़ी मुश्किल बारे सरकार को जानकारी देना चाहूंगी कि असीं फ्रंट लेवल ते रह के काम कर रहे हैं तो आंगनबाड़ी के लगातार ही असी जड़ियाँ स्कीम है प्रोवाइड करते हैं आपके लोगों को। तो इस करोना वायरस के चलते हुए भी असी घर घर जाके बच्चों को राशन दे रहे हैं, घर घर जाके करोना वायरस बारे इन्हों जागरूक कर रहे हैं। तो सरकार ने साडे नाल वितकरा किया तो होर जे महकमे है उन्होंने बीमे के घेरे के लिया पर आंगनबाड़ी वर्करों बीमे के घेरे में नहीं लिया। ना तो केंद्र सरकार ने इस बारे सोचा तो ना ही पंजाब सरकार ने सोचा। मैं सरकार को अपील करना चाहनी हाँ कि आंगनबाड़ी वर्कर हेल्परों भी सुरक्षा के घेरे लिया जाए। तो एक मैं दसना चाहवागी कि आंगनबाड़ी वर्कर बहुत सारिया मास्क तैयार करके अपने लैवल से अपने पिंड वासियों वंड रहे हैं। ये मैं भी लगातार 22 तरीक तो 22 मार्च तो लगातार असी अपने परिवार के नाल मास्क बना के पिंड वंड रहे हैं। तो तकरीबन 550 मास्क असी जे पिंड वंड चुके हैं, क्योंकि मैं सरकार को यह भी पूछना चाहवागी कि जे किसी कोई शक्की मरीज पाया जाता है साडे पिंडां दे विच ते की सहूलत है। असी घर घर जाने सानू किसी शक्की मरीज नाल साडी मुलाकात हुंदी है ते सानू ये नहीं पता लगता भी वह शक्की मरीज है, उन्होंने कोरोना वायरस पॉजिटिव है या नहीं है। तो सानू घर घर तोरिया तो जा रहा है, असी मौत के मूँह च फसे हुए हाँ। तो पर सरकार ने साडे बारे कुछ भी नहीं सोचा। तो मैं सरकार को यह अपील करना चाहनी हाँ कि आंगनबाड़ी वर्कर हेल्परों बीमे के घेरे के लिया के इन्हों भी सुरक्षा दी जाए। गिद्दरबाहा से शक्ति जिंदल की रिपोर्ट। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें।